हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक डॉलर में कितने रुपए होते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉलर को हम इंडियन रुपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर का करेंट रेट कितना चल रहा है और जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय लेटेस्ट जो डॉलर है एक डॉलर में वो कितना रुपीज है उसे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ये क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर सभी फ़ोन में होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है और क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च में डॉलर टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर टू INR, यहाँ पे बस यही आपको टाइप करना है। ध्यान से आप देख लीजिए डॉलर टू INR, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रेट जो है वो यहाँ पे हमें शो कर दिया है। यहाँ पे फिलहाल 75 रुपये और 98 पैसे यहाँ पे एक डॉलर का करेंट रेट यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस समय वीडियो देख रहे होंगे उस समय शायद ये अमाउंट चेंज हो जाए और इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाए, ये एक डॉलर में इतना रुपए होते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें 10 डॉलर का निकालना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे काट के यहाँ पे हम 10 कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में यहाँ पे 759 रुपये यहाँ पे 10 डॉलर का यहाँ पे हमें दिखा दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसका करेंट रेट जो इसका रेट चल रहा है वो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप जो है कितने भी डॉलर यहाँ पे आप डाल के उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं 100 डॉलर डाला मैंने और यहाँ पे 7597 रुपये यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप जो है डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं।